अध्याय जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागर हूँ। आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। सारे संसार दुखमय है, दुख लक्षण की कथा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 278। सबे संखार दुखाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबीदन्ति दुखे एष मग्गो विशुद्धिया। अर्थात सभी संस्कार दुखमय है। जब साधक यह बात प्रज्ञा द्वारा जान लेता है तब उसको दुख के प्रति वैराग्य घृणा पैदा हो जाता है। यही चित्त विशुद्धि का सच्चा मार्ग है। तो सुनते हैं सारे संसार दुखमय है। यह दूसरी गाथा भी जेतवन में उन्हीं भिक्षुओं के संदर्भ में कही गई। कुछ समय बाद एक दिन शाक्य मुनि ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि इन भिक्षुओं में दुख लक्षण भावना है। तो फिर उन्होंने भिक्षुओं को बुलाया, उनसे बोले, भिक्षुओं, सभी संस्कार प्रतिपीड़ित होने के कारण दुखमय है। यह सारा संसार ही दुखमय है। यहाँ संसार से सुख की कोई किरण नहीं है। जिस दिन समझ लोगे कि सभी संस्कार दुख स्वरूप है, उस दिन तुम दुख से छुटकारा पाने लगोगे। प्रज्ञा से जब यह पहचान लोगे तो सभी दुखों से मुक्ति हो जाएगी। यही निर्वाण का मार्ग है, यही चित्त विशुद्धि की राह है। अतः मनुष्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सारे संस्कार दुखदायक है, अर्थात जो उत्पन्न होता है वह नाशवान होने के कारण दुखदायी हो है। इस सच्चाई को जब हम कोई विपश्यना ज्ञान से देख लेता है, जान और समझ लेता है, अर्थात दुख क्षेत्र के प्रति भोक्ता भाव टूट जाता है, तब वह विशुद्धि विमुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लेता है। तब शास्ता ने यह गाथा कही। सबे संखार दुखाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबन्ति दुखे मग्गो विशुद्धिया। साधु साधु।